हेलो एवरीवन, आज मैं दिखाऊंगी अपना रूम जहाँ पे मैं जापान में रह रही हूँ पिछले 3 साल से ज़्यादा. और आई विल डिस्कस अबाउट द रेंट विच आई एम पेइंग फॉर द रूम एंड द अदर चार्जेस विच आई नीड टू पे फॉर द रूम, जो कि जापान में बहुत ही कॉमन है, हर रूम के लिए पे करना पड़ता है. सो लेट्स इंजॉय एंड आई होप मेरा रूम पसंद आएगा आपको. ओके, सी यू एंड सी माई रूम. तो स्टार्ट करते हैं. सो ये है यहाँ का रिंग टोन, रिंग बेल. आई मीन इसको जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, सो यहाँ अंदर एक वॉकी टॉकी लगा है, उससे मैं बात कर सकती हूँ और देख भी सकती हूँ कि कौन है यहाँ पे. सो दिस इज द कैमरा हेयर एंड हेयर इज द लेटर बॉक्स. सो अगर कोई भी मेरे रूम में लेटर आता है तो यहाँ पे आ जाता है. एक बिल्डिंग के नीचे भी लेटर बॉक्स लगा हुआ है जिसमें कुछ बड़ा पार्सल हो तो वो रख दिया जाता है. ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए है जो पर्सनली मुझे देने होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेलकम टू माई रूम. सो दिस इज द एंट्रेंस. सो ये यहाँ पे शूज़ के लिए ये स्पेस बना होता है हर जगह. समय थोड़ा सीजन जो है वो बारिश का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अम्ब्रेला रखे हैं, कुछ ज़्यादा ही अम्ब्रेला हो गए हैं. और ये स्टिक है, जब मैं फूजी गई थी उसकी हाइकिंग के लिए तो वहाँ पे मैंने ये लिया था. एंड दिस इज़ द इनसाइड ऑफ दैट बॉक्स, कुछ भी आता है तो इसमें आ जाता है. एंड दिस इज़ द शू रैक जिसमें सारे शूज़ रखे हुए हैं, तो ये भी देख सकते हैं आप, थोड़े ओवर हो गए हैं तो बाहर ही रखे हुए हैं. एंड दिस इज़ द स्पेस जिसमें आप कुछ भी अपना रख सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गार्बेज रख रखा है, उसको डेकोरेट किया हुआ है. एंड यहाँ पे डबल लॉक है, वन लॉक इज दिस एंड सेकेंड लॉक इज दिस. एंड दिस इज माई किचन, क्यूटी पाई. सो चलो वेलकम करते हैं वॉशरूम. तो सबसे पहले चलिए वॉशरूम ही दिखा देते हैं. यहाँ पे एग्जॉस्ट है और यहाँ की लाइट. एंड दिस इज माय वॉशरूम, मतलब इतना कोई स्पेशल वॉशरूम नहीं है. एंड देन दिस इज द बेसिन एंड मी एंड बाथटब, जो कि यहाँ पे बहुत ही कॉमन होता है हर वॉशरूम में. ओके, एंड दिस इज द वन. क्या से क्या हो गया, यहाँ पे पानी का सिस्टम नहीं है. ओके बाय बाय. सो दिस इज द गार्बेज. सो यहाँ पे ग्लू पन्नी में गार्बेज फेंकना पड़ता है जो कि बर्नेबल होता है, मतलब किचन का एंड अदर प्लास्टिक्स, सबका अलग अलग रूल है. तो यहाँ पे ये मेरा जो टोक्यो में सिटी है उसके हिसाब से आई नीड टू बाय द पैकेट्स, और उसके हिसाब से ही उसमें गार्बेज को थ्रो करना होता है. एंड दीज आर माई कबर्ड्स जो कि फुल ऑफ क्लोथ्स हैं, इनको कभी बाद में दिखाया जाएगा. एंड दिस स्पेस आई टुक फॉर द किचन थिंग्स बिकॉज आई कुक इंडियन फूड डेली. सो ये यहाँ पे किचन का सामान एंड थोड़ा बहुत किचन का और सामान. दिस इज़ द माइक्रोवेव एंड दिस इज आई बॉट इट द ब्रेड वन, दिस बेड टोस्टर. ओके, एंड दिस इज़ द फ्रिज मैगनेट. यहाँ पे जहाँ मैं जहाँ गई थी वहाँ के फ्रिज मैगनेट. दिस इज़ फ्रॉम शिराकावा को, दिस इज़ फ्रॉम क्योतो. ये तो सारे डाइसो के हैं. नो, दिस इज़ फ्रॉम ताकायामा एंड दिस इज़ फ्रॉम आई थिंक हकोने, आई डोंट रिमेम्बर कि कहाँ से क्या लिया था. बट या दिस इज़ फ्रॉम शिराकावा को, एज यू कैन सी दैट दिस इज़ अ फेमस शिराकावा को. एंड दिस इज़ द इनारी गेट ऑफ क्योतो, तो ये भी वहाँ का बहुत फेमस है. ये आई लव कॉफ़ी, सो दिस इज़ फॉर द कॉफ़ी. एंड दिस इज़ द कैलेंडर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सब डेट पे मेंशन है कि कब क्या कूड़ा फेंक सकते हैं, उस हिसाब से फेंकना होता है. ये दिस इज़ द ब्लू पैकेट जो कि अब बर्नेबल वाला है. ये है टीन के या कांच की बॉटल. दिस इज़ द न्यूज़पेपर और दूध का जो पैकेट होता है उसको फेंकने का है. दिस इज़ द लॉग्स एंड अगर क्लोथ्स फेंकने हैं तो ये है यहाँ पे. पेट बॉटल्स यहाँ पे हैं, अंडे का ट्रे और ये सब के लिए ये है. सो यहाँ पे इन्होंने पूरा बना के दिया हुआ है, पूरे साल का दे देते हैं.
रूम लॉकर में आ जाता है, उस हिसाब से वी नीड टू डिस्कार्ड अवर थिंग्स. ओके, सो दिस इज द किचन. यहाँ पे थोड़ी उन्होंने शेल्फ दे रखी है जिसमें मैंने इंडियन किचन रख रखा है. एंड आज का मेरा नाश्ता था ये जो कि बना हुआ है, सिवई बनाई थी मैंने. एंड दिस इज़ द सिंक जो कि गंदा नहीं है, बट यहाँ पे स्पेस कम है तो इसमें सामान रखना पड़ता है. एंड मैंने थोड़ा सा इसको स्पेस को यूज़ करने की कोशिश की है रैक्स लगा लगा के, क्योंकि बहुत ही छोटा किचन है. एंड दिस वॉल पेपर आई पुट ताकि यहाँ पे कोई निशान ना पड़े, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ स्मॉल स्पेस जिसमें मैंने आलू गोभी रख रखे हैं. एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल स्पेस फॉर द स्टोरेज. लेट्स गो. सो दिस इज माई जापनीज रूम. या जो कि ग्रीन ग्रीन बहुत दिख रहा है. आई बॉट इट लॉट ऑफ ग्रीन थिंग्स हेयर. सो रूम में स्टार्टिंग होते ही सबसे पहले यहाँ पे है ये मिरर. ओके, एंड दिस इज एक्चुअली द कबर्ड. तो उसके ऊपर उन्होंने मिरर लगा रखा है जिसमें मैंने अपना वैक्यूम क्लीनर, थोड़ा सा वर्कआउट का सामान और स्टोरेज रख रखा है. एंड दिस इज आई वॉज टॉकिंग. सो जब बाहर से कोई कॉल करता है तो आई गेट द पिक्चर हेयर, यहाँ पे आ जाता है. एंड दिस इज द स्पीकर सो आई कैन टॉक टू देम. ओके, एंड द हेयर आई पुट द रैक, क्योंकि यहाँ पे रूम में इन्होंने कोई रैक नहीं दिया हुआ है. दिस इज ऑल्सो वन द स्टोरेज वन. एंड थोड़ा सा मैंने रूम डेकोरेशन किया हुआ है. आई डिड नॉट बाय द बेड, सो दिस इज़ माई बेड. एंड दीज आर माई फेवरेट कॉर्नर ऑफ माई रूम, मेरे प्लांट्स जो कि मुझे बहुत ही प्यारे हैं. एंड दिस पेंटिंग आई ड्रू, या आई कैन ड्रॉ ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो दिस आई गॉट गिफ्ट फ्रॉम माई लैब मेट ऑन माई बर्थडे. कुछ जापनीज फेस्टिवल का सिंबलाइजेशन है जो कि मुझे सही से समझ में नहीं आया था. एंड दिस इज़ द ओरिगामी आई मेड मैनी मोर, बट दिस टू आई केप्ट एंड अदर आई थ्रू. दिस इज़ अ स्ट्रिंग आर्ट आई मेड ट्राई टू मेड. दिस इज़ ऑल्सो ओरिगामी एंड लिटिल बिट दिस थिंग्स. आई दिस माई डेस्क फॉर स्टडी, जिसमें स्टडी तो कमी होती है. एंड दिस इज द टोक्यो टावर. व्हेन आई वेंट टू टोक्यो टावर सो आई बॉट इट की चेन ऑफ टोक्यो टावर. दिस इज अनदर प्लांट. दिस इज अनदर प्लांट. ओके, सो दिस इज द वन रैक, वन मोर रैक जिसमें मेरा थोड़ा स्टोरेज का सामान है. ऑफकोर्स दिस इज द नाइट लैम्प. And this is my favorite god, my all-time friend. And this is the wind charm, which is given by my mother from India. लेकिन अब इसका color पूरा fade हो चुका है. But still, it's really nice. And this is my favorite balcony. So yes, guys, I put lot of plants here. So आप देख सकते हैं ये टमाटर का plant है. और इसमें टमाटर आ रहे हैं, इफ़ यू कैन सी, ये देखो. एंड दिस इज़ द पुदीना. यस, आई पुट द पुदीना. एंड दिस इज़ द करी पत्ता. दिस प्लांट आई गॉट एज द गिफ्ट. ये भी कुछ हर्ब्स के और कुछ फ्लावर के प्लांट हैं जिसमें अभी फ्लावर हैं नहीं फिलहाल. और ये है रोज़ का प्लांट, इसमें थोड़े से रोज़ हैं आप देख सकते हैं. So this is my plant and here is the washing machine. और मैंने कपड़े धोया था तो यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ का रूम रेंट है 37,000 yen, जो कि इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 22,000 होता है. एंड वाटर बिल इज़ नॉट वेरी मच. एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड ऑन द सीज़न, आप जैसे यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस वॉज द रूम. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. एंड आई विल कीप अपलोडिंग अबाउट जापान एंड अबाउट मी लिटिल बिट. So if you like my video, so please watch it and subscribe it.
and help me to grow my channel. See you soon in another video. Bye bye. Take care. Bye bye.